धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास दो आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादी सहयोगियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15 पिस्टल राउंड, 25 AK-47 राउंड, एक IED और दो हैंड ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस, सेना और CRPF द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को घेरा तोड़ने के प्रयास में भागने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन सतर्क सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख DGP दिलबाग सिंह ने जिला मुख्यालय रामबन के कहुबाग में जियोमेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ IGP जम्मू मुकेश सिंह, DIG DKR रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता और SP रामबन मोहिता शर्मा मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद DGP ने सुरक्षा बलों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा हालात और श्री अमरनाथ जी यात्रा पर चर्चा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास दो आतंकवादी नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश, पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, दो लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाकस्तर, घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट, लोगों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। डोडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार की टक्कर में 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहे थे कि उसी समय डोडा भदरवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत मौके पर हो गई। पुलिस ने हिट एंड रन मामले में वाहन की पहचान करने का दावा किया है। SP भदरवा ने कहा, पुलिस की बजरवा से 16 किलोमीटर दूर खून से लथपथ एक बुजुर्ग व्यक्ति के शव के बारे में पता चला। पूछताछ के दौरान मृतक की पहचान मीरदीन के रूप में हुई है। जिला मुख्यालय रामबन में आवारा कुत्तों के हमलों से दहशत का माहौल है। ताजा मामले में आवारा कुत्तों ने 5 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश भाजपा महासचिव सुनील शर्मा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर निशाना साधा और कहा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इन दिनों फ्रस्ट्रेशन में हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जल्द ही जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में सलाखों के पीछे होंगे। इस ताल्लुक से कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सुनील शर्मा ने कहा, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी तब ये लोग लंदन घूमते थे और जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहती थी। बांडीपुरा जिले के हाजिन क्षेत्र में मुक्तामारी गांव के निवासियों ने बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत में विफल रहने पर बिजली विकास विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गांव के पुरुषों और महिलाओं ने कहा कि पिछले 4 माह से ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी है।
ब्लॉक सुचेतगढ़ के सरपंच सरदार गुरदयाल सिंह ने गांव घराना में 250 केवी बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। गांव के लोगों द्वारा सरपंच का गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अध्यक्ष बीडीसी घोडी आरती शर्मा ने उधमपुर के घोडी ब्लॉक के अपर बरबीन पंचायत में जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। इस योजना में 9.32 करोड़ की लागत आएगी। इस योजना में 3 पंचायतों के 695 परिवारों को शामिल किया जाएगा। इस स्कीम से इन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति की कमी को पूरा किया जा सकेगा। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री द्वारा हर घर में पानी की आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की तरफ से जिले की सुरंकूट के लसाना ब्लॉक में पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लसाना ब्लॉक के स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर शहजाद मलिक ने जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रमों की सराहना की। शहजाद मलिक ने कहा, इससे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है और वो नशे से दूर रहते हैं। जम्मू कश्मीर मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से आरएसपुरा में आधा दर्जन सोसाइटीज में जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालन किसानों को पशुओं की बेहतर तरीके के साथ देखभाल करने संबंधी जागरूक किया गया। JKMPCAL के फील्ड इंचार्ज मुश्ताक अहमद की देखरेख में पशुओं के डॉक्टर गुलाम मुस्तफा और उनकी टीम के सदस्यों ने किसानों को जागरूक करने के साथ साथ किसानों में निशुल्क दवाइयां भी वितरित की। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर परवेज मसूदी की उपस्थिति में प्रिंसिपल प्रोफेसर रूबी रेशी द्वारा जीएमसी बारामूला में रोगी की देखभाल के लिए सीरम आधारित इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री पैनल को खोला गया है। आपातकालीन सेवाओं को पूरा करने के लिए सीरम आधारित इलेक्ट्रोलाइट पैनल की काफी आवश्यकता थी। भारतीय किसान संघ के पूर्व राज्य महासचिव सुभाष दसगोत्रा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही को उजागर किया और नाराजगी का इजहार किया। संबंधित विभाग की ऑनलाइन सेवा ठप होने पर भी नाराजगी का इजहार किया। कश्मीर विश्वविद्यालय में यूथ 20 परामर्श बैठक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। आतंकवादियों और उनके मददगारों के ठिकानों पर चलेगा बुलडोजर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कसी कमर, कई जिलों में आतंकवादी और उनके मददगारों के 100 से ज्यादा निर्माणों की हुई पहचान। बारामूला और बडगाम में एनआईए की कार्रवाई। बारामूला में 4 और बडगाम में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पुंछ नगर के आसपास के क्षेत्रों में दूसरे दिन भी सुरक्षा बलों की तरफ से तलाशी अभियान। एसओजी पुलिस सेना और सीआरपीएफ के जवान खंगाल रहे हैं नगर के आसपास के घर खेत खलिहान। बारामूला में अवैध खनन का मामला, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 लोग गिरफ्तार, 2 टिपर, 2 ट्रैक्टर जब्त। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बडगाम में 4 नशा तस्कर गिरफ्तार, करीब 16 किलो चरस बरामद। महिला और सीनियर सिटीजन्स के लिए श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की खास पहल, ड्रॉप गेट से टर्मिनल बिल्डिंग और वापसी के लिए मुफ्त ई कार्ड सेवा की शुरुआत। और अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों का। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास मुलाकात की है, ये एक शिष्टाचार भेंट रही। शिमला में पेम्पा सेरिंग ने सीएम सुक्खू से की खास मुलाकात, तिब्बती समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। 7 दिन बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे शिमला, उनके साथ एडवोकेट जनरल अनूप रतन भी दिल्ली से सीएम के साथ शिमला आए हैं। इस दौरान सीएम से सीपीएस के इस्तीफे पर जब सवाल किया गया तो जिसको सीएम ने सिरे से ही टाल दिया।
प्रदेश अध्यक्ष बदलने के सवाल पर भी सीएम ने कहा ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। आलाकमान से कई और मुद्दों पर चर्चा हुई है। चुनावी वायदों को पूरा करने और विकास कार्यों को प्रगति देने पर चर्चा हुई है। ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक निजी शिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश की भाजपा हताश और निराश हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अपने ही नेताओं ने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन उन तमाम चीजों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा लगातार उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बीच में घसीटने का प्रयास कर रही है। शिमला में सीपीएस की नियुक्ति पर पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा जिन प्रदेशों में सीपीएस बनाए गए हैं उनको हटाना पड़ा है। अगर हाईकोर्ट से फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। प्रदेश में सीपीएस का मुद्दा गर्माता जा रहा है। भाजपा सीपीएस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भाजपा पर निशाना साधा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा उपचुनाव विधानसभा और अब नगर निगम चुनाव हारी है और इस हार को पचा नहीं पा रही। साथ ही कहा कांग्रेस ने नियमों के तहत सीपीएस की नियुक्ति की है। बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल सहित मातृत्व एवं शिशु केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर्स के कार्यों की तारीफ की। स्वास्थ्य मंत्री ने संतोष जताया और कहा कि मातृत्व एवं शिशु केंद्र बिलासपुर में आम आदमी के बच्चों को मिल रहा है उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं। शिमला में जवाहर बाल मंच कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए सीएम सुक्खू पहुंचे हैं। बता दें कि कांग्रेस के जवाहर बाल मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में 25 राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। शिमला में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी वाटरशेड की ओर से वाटरशेड विकास के तहत सर्वोत्तम प्रथाएं विषय पर राज्य स्तरीय 2 दिवसीय सम्मेलन समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिरकत की। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा शिमला में भी अन्य महानगरों की तर्ज पर हाट बाजार के लिए जगह का चयन किया जाएगा जहां पर स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद बेच सकेंगे। ऐसी व्यवस्था प्रदेश में हर शहर में की जाएगी। एक और अहम खबर, हिमाचल के नए निर्वाचित विधायकों का संसद भवन में ट्रेनिंग सेशन चलाया गया। इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के नए विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। ये ट्रेनिंग 12 मई तक संसद में चलने वाली है। इसमें विधायकों को अनुशासन, सवाल पूछने के तरीके, कायदे कानून के बारे में जानकारी दी जा रही है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा मंत्रालय के सचिव सहित एनसीटीई सचिव के साथ अहम मुलाकात की थी। इस दौरान शिमला पहुंचने पर रोहित ठाकुर ने कहा कि एनटीटी शिक्षकों की भर्ती से पहले शिक्षा विभाग नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग संस्थानों की भी जांच करवाएगा। भर्ती के लिए एनसीटीई ने जो नियम तय किए हैं उसके तहत भर्ती की पात्रता के लिए 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। डिप्लोमा करवाने वाले संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होने चाहिए, जबकि सरकार के ध्यान में आया कि प्रदेश में ज्यादातर डिप्लोमा धारक ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल का ही डिप्लोमा किया है। हमीरपुर के रवि धीमान ने लकड़ी पर 3D आर्ट को उकेरा है। उनकी ये कलाकारी देखकर लोग दंग हैं। रवि को बचपन से ही ड्राइंग में बेहद इंटरेस्ट था। धीरे धीरे अपनी कला का जादू वो लकड़ियों पर दिखाने लगे।
लकड़ी पर एक 3D आकृति बनाने में उन्हें 20 से 25 दिन लग जाते हैं। उनकी कलाकृतियां 25,000 रुपए में बिकती हैं। वो पीएम मोदी और सीएम सुक्खू सहित कई महापुरुषों के चेहरों को अपनी खास कला से लकड़ी पर उकेर चुके हैं। 28 मई को सोलन में रफी नाइट का आयोजन किया गया है। इसमें गायक मोहम्मद रफी के गीतों पर समा बांधेंगे। इस बार रफी नाइट पे महाभारत सीरियल में अर्जुन का कैरेक्टर निभाने वाले संदीप मोहन भी नजर आएंगे। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में कोगुलेशन मशीन लगाई जा रही है। इसे खास तौर पर सर्प दंश के मरीजों के लिए लगाया जा रहा है। मशीन से पता चल सकेगा कि किसी मरीज को सांप ने काटा है या नहीं। किसी मरीज के शरीर में खून जमने पर यह पता लगाया जा सकता है कि आखिर खून जमने की वजह क्या है। इस मशीन से 5 तरह के टेस्ट होते हैं। इसका फायदा मरीजों को मिलेगा। सोलन में नगर निगम के निकम्मेपन की वजह से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। शहर शहर जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। घर के बाहर निकलिए तो सड़क पर कूड़ा नजर आ रहा है। बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड पर जाइए तो वहां गंदगी का अंबार मिलेगा। माल रोड पर भी जगह जगह कूड़ा कचरा बिखरा दिखाई दे रहा है। शहर के इस हाल से लोग परेशान हैं, जो नगर निगम पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों में ही कुल्लू का पीच ठालपुर पैराग्लाइडिंग साइट सैलानियों की मनपसंद जगह बन गया है। यहाँ 1.5 महीने पहले से ही पैराग्लाइडिंग शुरू की गई है और तब से ही सैलानियों की खास पसंद है। इस पैराग्लाइडिंग साइट की खास बात यह है कि यहाँ 7,000 फीट की ऊंचाई से 360 डिग्री का व्यू दिखाई देता है। आसमान से व्यास नदी का नजारा भी लोगों को बेहद भा रहा है। लाहौल के राजस्व एवं रजिस्ट्रार ऑफिस में उर्दू जानने वाले कर्मचारी के न होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1950 से पहले के राजस्व अभिलेख और रजिस्ट्री पेपर उर्दू में लिखे गए हैं। ऐसे में अब जब कोई पुराना रिकॉर्ड निकाला जाता है तो दफ्तर में उर्दू पढ़ने और समझने वाला कोई नहीं है। इससे कई लोगों के अहम काम रुके पड़े हैं। ऊना में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला टीम के गठन का ट्रायल आयोजन किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों के हुनर को परखा गया। जिला क्रिकेट संघ के ट्रायल के दौरान नेट्स पर खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। ट्रायल प्रक्रिया में जिले भर के करीब 25 क्रिकेट खिलाड़ियों ने भाग लिया। ऊना में एथलेटिक्स संघ की ओर से वार्षिक जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जिले भर के 300 से ज्यादा एथलीट्स ने भाग लिया। वहीं इस प्रतियोगिता में दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉटपुट, जेवलिन थ्रो आदि कई खेलों के विभिन्न इवेंट्स करवाए गए। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। सोपोर में सैदपुरा बाईपास क्षेत्र के पास दो आतंकवादी सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। विशिष्ट इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने दो आतंकवादी सहयोगियों को पकड़ा। उनके कब्जे से 15 पिस्टल राउंड, 25 AK-47 राउंड, एक IED और दो हैंड ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस, सेना और CRPF द्वारा तलाशी अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान दो संदिग्ध व्यक्तियों को घेरा तोड़ने के प्रयास में भागने की कोशिश करते हुए देखा गया, लेकिन सतर्क सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया।
जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख डीजीपी दिलबाग सिंह ने जिला मुख्यालय रामबन के कहुबाग में जियो मेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डीआईजी डीकेआर रेंज डॉक्टर सुनील गुप्ता और एसपी रामबन मोहिता शर्मा मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के बाद डीजीपी ने सुरक्षा कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली रिहाई, पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में कटेगी आज की रात। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पीएम मोदी ने रखी कई परियोजनाओं की आधारशिला। एलआईजीओ इंडिया प्रोजेक्ट का भी किया उद्घाटन, जारी किया डाक टिकट और सिक्का। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी समलैंगिक जोड़ों के कानूनी मान्यता पर फैसला। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, बरकरार रहेगी शिंदे सरकार, कहा उद्धव पद नहीं छोड़ते तो देते राहत, राज्यपाल की भूमिका पर उठाए सवाल। वहीं दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला भी आया, दिल्ली सरकार को दिया ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, 5 जजों की बेंच ने एकमत होकर सुनाया है ये अहम फैसला। पंजाब से खबर है जहां के नंगल में गैस रिसाव से मचा हड़कंप, स्कूल के 10 बच्चे बेहोश, स्टूडेंट्स और टीचर्स की बिगड़ी तबीयत, प्रशासन ने स्कूल में छुट्टी कर संभाली स्थिति। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान मोचा, चक्रवाती तूफान का ले सकता है रूप। अंडमान द्वीप समूह सहित देश के कई अलग अलग तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान। कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी, जहां सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी एकता के अभियान को बड़ा झटका। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले नवीन पटनायक, तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। मुंबई में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिले नीतीश कुमार, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को साथ लाने पर जोर, जल्द होगी विपक्षी दलों की अहम बैठक भी। जातीय गणना पर बिहार सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती, हाईकोर्ट ने लगाई है अंतरिम रोक। बीजेपी में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा से मिले आरसीपी सिंह, अजय आलोक भी इस अहम मौके पर रहे मौजूद। सीतामढ़ी में शराब तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई, एसपी ने 2 दरोगा और 1 कांस्टेबल को किया सस्पेंड। लखीसराय में उत्पात पुलिस पर ग्रामीणों का हमला, पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त, 2 जवान और चालक घायल। पटना के तरेत पाली मठ में दिव्य दरबार की भव्य तैयारी, बाबा के लिए मंच तैयार, सीएम और राज्यपाल को भेजा गया है खास निमंत्रण। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में 10 दिन के भीतर हत्या की 3 घटनाओं से लोगों में दहशत, हाथ में लाठी डंडे लेकर लोग दे रहे हैं पहरा, पुलिस की टीम भी गश्त में जुटी। वहीं आरा से खबर है जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक क्रॉस मोबाइल की जवान को मारी गोली, गोलीबारी में एक बदमाश घायल। गुबला से खबर है जहां डायन बिसाही के आरोप में पोते ने की दादा दादी की पीट पीट कर हत्या, मर्डर के बाद आरोपी ने थाने में किया सरेंडर भी। ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की 82 करोड़ की 4 संपत्ति स्थायी रूप से की जब्त, पल्स हॉस्पिटल के साथ कई भूखंड भी हैं शामिल। और अब कुछ खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी हैं। मंदसौर को सीएम शिवराज की सौगात, 2374 करोड़ की सिंचाई परियोजना का शिलान्यास, 1.5 लाख किसानों को होगा लाभ, लाडली बहनों से भी किया संवाद। ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, घोटाले में मेरा नाम जोड़ने की हो रही है कोशिश,
एक्सटोर्शन और करप्शन पर नहीं हो सकती ईडी के तहत कार्रवाई। ईडी और डिजिटल के बीच सांठगांठ। भोपाल में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की इंजीनियर पर लोकायुक्त का शिकंजा। रायसेन में भी छापा, 5 से 7 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। इंदौर में कैफे का अजीबोगरीब ऑफर, 99 रुपए में कपल्स को प्राइवेट केबिन, मच गया बवाल, केस दर्ज, आरोपी फरार। शहर से खिलवाड़ पर राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन। ढाबे रेस्टोरेंट पर छापे से हड़कंप, जांच के लिए भेजे गए फूड सैंपल्स। धार में शराब तस्करों पर नकेल, 37 लाख की अवैध शराब जब्त। दूध के वाहन में की जा रही थी शराब की तस्करी, दो आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर के लाल का कमाल, दुबई में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया सम्मान। एमपी में आतंकी संगठनों के नेटवर्क को शिवराज सरकार ने किया है ध्वस्त, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा सिर उठाने का मौका नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, मेयर्स के साथ कुमारी शैलजा का मंथन, कहा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सरकार कर रही है बेहतर काम। 15 मई से छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों का आंदोलन, नियमितीकरण की मांग, बलौदजार से होगी रथ यात्रा आंदोलन की शुरुआत। गुना में बागेश्वर धाम महाराज की सभा में हंगामा, सिंधिया की मौजूदगी में युवक ने मंच पर मचाया उत्पात, बाउंसर्स ने नीचे उतारा। कुछ खबरें राजस्थान से भी हैं, जहां दिल्ली में होगी कांग्रेस की अहम बैठक, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह ने बुलाई है मीटिंग, पीसीसी चीफ डोडासरा समेत सभी नए सहभागी होंगे शामिल। सीएम गहलोत ने जयपुर को दी विकास कार्यों की अहम सौगात, विरोधियों पर साधा निशाना, बोले गुटबाजी करने वाला कामयाब नहीं होता, थारी महारी करने वाले पार्टी के लॉयल नहीं। करप्शन के खिलाफ सचिन पायलट की पदयात्रा, फिर उठाई बीजेपी सरकार में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग, बोले राजनीति में जुबान की होती है अहमियत, राजनीति है आपका दरिया। जयपुर में यूडीएच में लैंड कन्वर्जन के नाम पर घुसखोरी का खेल, दलाल लोकेश जैन के आईफोन ने मिले आरोपियों से जुड़े होने के सबूत, दलाल समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सवाई माधोपुर के शिवाल कस्बे में एक युवती का खून से लथपथ मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, घटना के वक्त मनरेगा में मजदूरी करने गए थे माता पिता। सरदार शहर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत, 2 लोगों की मौके पर मौत। राजस्थान रॉयल्स से जुड़ी चीयरलीडर्स पर गहराया विवाद, कोलकाता जा रही 5 चीयरलीडर्स को एयरपोर्ट पर रोका गया, सीआईएसएफ को चीयरलीडर्स की आईडी पर है संदेह। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।